हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंबई की स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी की रेसिपी। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है और एकदम ही ये मार्केट जैसे ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं और ये मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, गोभी, गाजर, मटर, आलू, शिमला मिर्च। आपको जो भी लेना है वो आप सब्जी ले सकते हैं। और थोड़ा सा हम चुकंदर लेंगे जिससे कि भाजी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और हमको इसमें कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी सब्जियां मैंने कुकर में डाल दी हैं। साथ ही में हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, नमक और पानी और लहसुन, मिर्च, अदरक। इन सभी चीज़ों को हम डाल देते हैं और कुकर की लिड लगा देते हैं और इसमें 2 से 3 सीटी आने देते हैं। और कुकर का प्रेशर रिलीज़ होने के बाद हम कुकर को खोलेंगे और सब्जियां देखिए अच्छे से बॉईल हो गई हैं। इनको हम पोटैटो मैशर से मैश कर लेते हैं। तो अच्छे से इनको मैश कर लीजिएगा जिससे कि सब्जियां एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसमें पानी बिल्कुल भी अलग ना दिखे। तो फिर से हम गैस पे अब हम एक कढ़ाई चढ़ाते हैं और इसमें हम डालेंगे ऑयल और बटर। तो बटर तो ज़रूरी होता है पाव भाजी में, तो जितना भी आप डालेंगे। और बटर के साथ में ऑयल डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि बटर जले ना। और उसमें हमने डाल दिया है जीरा और फिर एकदम छोटे छोटे कटे हुए प्याज डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे इनको। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके बाद हम डालेंगे शिमला मिर्च कटी हुई छोटी छोटी। सभी चीज़ों को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, देगी मिर्च जिससे कि कलर अच्छा आएगा, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर तीखेपन के लिए और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और खूब सारा हम इसमें टमाटर डालेंगे जिससे कि ये खट्टी सी और अच्छी थिक सी बनेगी हमारी भाजी। और इसको अच्छे से गला लेना है। तो देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे और ये जो हमने बॉईल करके सब्जियां रखी थी मैश करके उनको हम डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पाव भाजी मसाला हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच और मिक्स कर लेंगे। पोटैटो मैशर से हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे जिससे कि ये एकदम जो भी सब्जियां खड़ी हों वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। कोई भी सब्जी इसमें खड़ी नहीं दिखनी चाहिए, तभी भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मैश कर दिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो आपको जैसे पतला चाहिए हो तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लीजिए। और लास्ट में हम फिर से पाव भाजी मसाला 1 चम्मच डाल देंगे, बटर डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला और हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। तो ये लीजिए हमारी पाव भाजी की भाजी तो तैयार हो गई है। अब हम पाव को तैयार कर लेते हैं। तो पाव मैंने रेडीमेड लिया है और इसको हम कट कर लेंगे, सेंटर से इस तरह से कट कर लेना है। और तवे पर हम डालेंगे बटर और थोड़ा सा भाजी जो हमने तैयार की है, धनिया, और इसी पे हम पाव को उलट पुलट के सेंक लेंगे अच्छे से। तो ये लीजिए हमारा पाव भी तैयार हो गया है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये लीजिए मैंने प्लेट में भाजी सर्व कर दी है और साथ में ही पाव और कुछ सैलेड में प्याज वगैरह जो भी आपको रखना है। और अब हम गार्निश कर देंगे हरी धनिया और बटर से। ये लीजिए हमारी स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।